हमारी खराब लाइफस्टाइल के कारण कैंसर जैसी खतरनाक समस्या हमें घेरे रहती हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये WHO कहता है कि आज के समय हर साल कैंसर के 10 मिलियन केसेस आते हैं। उन्हीं कैंसर में से एक कैंसर है ब्लड का कैंसर, जो कि बेहद खतरनाक बीमारी है। इसे हेमेटोलॉजिकल कैंसर भी कहते हैं। वैसे तो यह बीमारी जानलेवा होती है, लेकिन अगर इसके शुरुआती लक्षणों का समय पर पता लग जाए तो इसका इलाज संभव है और जान भी बचाई जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज हम ब्लड कैंसर के कुछ वार्निंग साइंस आपको बताएंगे, जिन्हें पहचान कर आप इस बीमारी का इलाज समय रहते करवा सकते हैं। और ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कैंसर किसी को भी हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन या थकान। अगर आपको बहुत जल्दी थकान होती है और आप बार बार इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं, तो ये ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षणों में से एक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैंसर हेल्दी सेल्स के प्रोडक्शन में रुकावट पैदा करता है, जिससे एनीमिया होता है। इसके अलावा कमजोर इम्यून सिस्टम भी ब्लड कैंसर की पहचान है। इस लिस्ट में अगले नंबर पर है लिम्फ नोड में सूजन या फिर वजन कम होना। अगर अचानक से बिना किसी कारण वजन कम हो रहा है, तो ये ब्लड कैंसर ही नहीं, कई तरह की कैंसर के शुरुआती लक्षणों को भी दर्शाता है। ऐसा तभी होता है जब शरीर बीमारी से लड़ने के लिए एनर्जी खर्च करता है। इसके अलावा लिम्फ नोड में सूजन, विशेष तौर पर गर्दन, कमर में सूजन लिम्फोमा का लक्षण हो सकते हैं। इसीलिए इसे ब्लड कैंसर का वार्निंग साइन भी माना जाता है। इस लिस्ट में अगले नंबर पर है ब्लडिंग और हड्डियों में तेज दर्द। बहुत ही ज़्यादा आसानी से चोट लगना, नाक से ब्लड आना या मामूली चोटों में लंबे समय तक ब्लडिंग होना प्लेटलेट काउंट में कमी की वजह से हो सकता है। ब्लड कैंसर बोन मैरो को बुरी तरह इफेक्ट कर सकता है। इससे हड्डियों में दर्द और फ्रैक्चर की समस्या हो सकती है और आसानी से हड्डियां ब्रेक होने का खतरा बड़ा रहता है। इस लिस्ट में अगले नंबर पे है बुखार और रात में पसीना आना। बिना किसी वजह बुखार आना और अक्सर रात में पसीना आना लिम्फोमा समेत ब्लड कैंसर का वार्निंग साइन हो सकता है और इसके दूसरे लक्षण भी हो सकते हैं। चलिए अब ये जानते हैं ब्लड कैंसर का पता लगाने के लिए वो कौन से पॉइंट हैं जो बहुत ही जरूरी हैं, जो आपको जानने जरूर ही चाहिए। तो इस लिस्ट में है सबसे नंबर वन पॉइंट, नियमित तौर पर ब्लड टेस्ट करवाकर ब्लड कैंसर का पता लगाया जा सकता है। CBC में अनियमितता समस्या का संकेत हो सकता है। इस लिस्ट में अगला पॉइंट है बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी में टेस्ट के लिए बोन मैरो का एक छोटा सा सैंपल निकाला जाता है, जिससे ब्लड कैंसर के बारे में पता चलता है। अगला पॉइंट है CT स्कैन, MRI या PET स्कैन में ये सब बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। इनके जरिए सूजन वाले लिम्फ नोड या फिर किसी अंग की खराबी की पहचान भी हो सकती है। इस लिस्ट में अगले नंबर पर है बड़े हुए लिम्फ नोड में बायोप्सी की जा सकती है और उसके जरिए हमें पता चल सकता है कि उनमें कैंसर वाले सेल्स हैं या नहीं। ब्लड कैंसर का अब आप सोच रहे होंगे कि इलाज कैसे होता है और सब लोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। तो बता दें, ब्लड कैंसर का पता जितनी जल्दी चलता है, इससे रिकवरी के चांसेस भी उतना बढ़ जाते हैं। शुरुआती फेज में अगर इलाज शुरू से हो जाए तो उस समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके इलाज में कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट मेथड्स शामिल हैं, लेकिन ब्लड कैंसर का इलाज उसके फेज और उसके प्रकार के अनुसार किया जाता है। आशा करता हूँ ये जानकारी और ये वीडियो आपको दोनों ही पसंद आई होगी। ऐसी तमाम और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप सभी देखते रहें TV9 भारतवर्ष।